इंटरनेशनल प्लेयर अफगानिस्तान के शफक उल्ला शफक वो भी आए हैं, तो इसी वजह से अफगानिस्तान के कैंपों से, जलुजई कैंप से, बगीचा कैंप से, शुमलो कैंप से, बरकई कैंप से अफगानी भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में आए हैं, और यहाँ हमारे पाकिस्तानी लोग भी आए हैं। सलीम खान बरियाली के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है, मानेरी अजमरी के बहुत ज़्यादा सपोर्टर है। जिस तरह माहौल बना हुआ है, तो पाकिस्तान का जो साफ इमेज है, वो इंशाल्लाह 24/7 के जरिए हम दुनिया को दे रहे हैं। माशाल्लाह, इज्जत का मुकाम है हमारे लिए। आमिर भाई, जुनेद खान ने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं स्वाबी के हवाले से, पैगाम दिया है कि स्वाबी में एजुकेशन, फिर कर्नल शेर खान का हवाला दिया, फिर अब्दुल कादर साहब का हवाला दिया, और आप की मौजूद हैं, और आपके सामने आने के बाद एबटाबाद रीजन और जुनेद खान और यासिर शाह, अहमद जमाल, बड़े बड़े नाम, कुछ बोलिए एबटाबाद रीजन, स्वाबी, केपीके, कुछ बोलिए। माजिद भाई, मैं फॉलो कर रहा था, कि मैं गाड़ी में देख रहा था, मैं और शिद्दीक इकबाल, हम लाइव देख रहे थे 27/4 पे, तो मैंने जुनेद खान का इंटरव्यू सुना है। उन्होंने जो लेजेंड्स है स्वाबी के, जो फसलों के मुतालिक उन्होंने बात की, जो तरक्याती मंसूबों के मुताबिक उन्होंने बात की, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के मुताबिक उन्होंने बात की, खासकर उन्होंने गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट का भी जिक्र किया। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसमें शक नहीं है, अहमदाबाद रीजन में इसमें शक नहीं है। यहाँ से आपने देखा, फखर दमान केला है स्वाबी से, वो कराची से आया है, जो यासिर शाह ने हर रिकॉर्ड उसके पास है, जो अपना जुनेद खान, खालिद उस्मान जो केपीके का कैप्टन है, अरशद इकबाल जो इंटरनेशनल प्लेयर है, इसके अलावा अहमद खान, उसके अलावा आकिब खान, आकिब जदून, उसके अलावा ख़याम खान, और पांच हमारे बच्चे केले हैं 19 से 16 से, तो बहुत ज़्यादा टैलेंट है। इंशाल्लाह इसको हम पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको एक्सपोजर दे रहे हैं, इंशाल्लाह ये स्वाबी का, एबटाबाद रीजन का।
خپل ټیم منیجمنٹ دا رکھا خالد علی یو بیر بیا د نظرلینڈ انڈا کولی شان نہ کولی جنید خان واٹ ا ٹرائی بائی جنید خان مائی گاڈ واٹ ا تھرو جنید خان یو بیوٹی واٹ ا تھرو او مائی گاڈ آئی کانٹ بیلیو ان مائی آئیز سلمان بٹ از بیک ٹو بیلین ہی کانٹ بیلیو What is happening here? Junaid Khan. As I already said, Junaid Khan is a tremendous fielder. What happened by Junaid Khan? Pass he stop a boundary, then he run out Salman Butt. Salman Butt is not happy. He's really disappointment. He's really disappointed. He's kicking himself another wicket down. Wicket number 5. Salim Khan Bargali is in trouble. They are in deeply in trouble. Salim Khan Bargali need some huge partnership. They need some partnership. KPK का और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया चेयरमैन SPL आमिर नवाब खान साहब बहुत ज्यादा क्राउड इस वक्त मौजूद है आप देख सकते हैं और हर बंदा एक्साइटेड है और मैच कुछ ही देर में शुरू हुआ चाहता है एलिमिनेटर एलिमिनेटर वन कौन सी टीम टीम कौन सी टीम मनेरे ओके 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 एक जबरदस्त थ्रो जुनैद खान का बॉलिंग इन पर जो डायरेक्ट विकेट पर लगी और इस तरह एक और विकेट खो चुकी है सलीम खान बरियाली अपनी सलीम खान बरियाली अपनी पांचवी विकेट खो चुकी है सादत नए आने वाले बल्लेबाज और इसे खेल लिया है फील्डर मौजूद वहां पर क्या वो कैच फरमाएंगे Awais Khan is back to pavilion. Awais Khan is back to pavilion. Another wicket. Khalid Ali, you beauty. What a catch there in the boundary line by the fielder. Awais has been dismissed. Wicket number 6. Salim Khan Bargali are in trouble now. They are in trouble now. یو بل نقصان سلیم خان بریالی تھا سلیم خان بریالی پہ مشکلات ہو کے وہ پارٹنرشپ ضرورت تھے عارف شاہ پلنگ آن باندھے موجود ہو زبردست کیچ واغست بہت بڑی تعداد میں کراؤڈ موجود ہے اس وقت स्वाबी में गुवाहाटी क्रिकेट स्टेडियम में एलिमिनेटेड 2 इस वक्त जारी है आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग यहाँ पे मौजूद हैं और काफ़ी बड़ी तादाद है सब बहुत बड़ी तादाद कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं सलीम खान बरियाली स्कोर अच्छा बना है अच्छा बना है कोच का शपक भी सलीम खान कौन सी टीम सलीम खान सलीम खान बरियाली और मनेरी अजमेरी
साइड के बल्ले से स्कोर बढ़ता हुआ 115 रन। 30 गेंदे और 73 रन दरकार सलेमान बरियाली को। उनके पास 5 ओवर का खेल बाकी है और स्कोर दरकार 73 रन। काफी मुश्किल में है सलेमान बरियाली। शायद जो उम्मीद की आखिरी किरण है अपनी टीम के लिए शाहिद उनका साथ देते हैं। सादत उनका साथ निभा रहे हैं। 30 गेंदे और 73 रन 14.6 की औसत से दरकार है। टारगेट 188 रन। पार्टनरशिप दोनों के दरमियान 30 रन की अभी तक हुई है 20 गेंदों पर। शायद जो 20 पर खेल रहे 10 गेंदों पर उन्होंने 20 रन बनाए हैं एक चौके और एक छक्के की मदद से। और इनका साथ निभा रहे हैं सादत जाहिर जिन्होंने 10 गेंदों पर 9 रन बनाए हैं। सलेमान रागली मलगुरु तब रबिया पहराले वायु हिदायत तो जनून और तोहीद तो सलेमान द सपोर्ट द पार रागली रे सलेमान तो मुश्किलात तो शिकार के देर बालुना और द्रे हो या रंजा शम्स खदर खेल गेंदे और 73 रन। सिराजुद्दीन द पास्ट एंड पूरियस बॉलर ऑफ मानी रे अजमरे ऑन स्ट्राइक इज सादत जाहिर। हियर वी गो गुड डिलीवरी बाय सिराजुद्दीन नॉर्मन। दिस डिलीवरी वन बाउंस स्ट्रेट टू द कीपर। स्कोर 115 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 29 गेंदे और 73 रन दरकार है सलीम खान बरियाली को 15.1 हो सबसे। हिटिंग की जरूरत सलीम खान बरियाली को और इसे उठा के खेल दिया है। फील्डर मौजूद वहां पर और सिर्फ एक ही रन बनेगा। इसे रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 116 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 28 गेंदे 72 रन स्ट्राइक पर आ चुके हैं शाहिद जो खतरनाक बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। 44 नंबर जर्सी में मलबूस शाहिद जो 200 की स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। 10 गेंदों पर अभी तक 20 रन बनाए हैं शाहिद ने। उड़ की तीसरी गेंद सराज की और स्कूप बनाने की कोशिश और क्लीन बॉल कर दिया है शायद को सराजुद्दीन ने। ब्लॉक में थी ये गेंद इसको स्कूप करने में कामयाब न हो पाए साद शाहिद और इस तरह कवर नुकसान सलेमान बरियाली को 7वां नुकसान उठाना पड़ रहा है। हसन जमाल सत्ताईस गेंदे 72 रन दरकार और 3 ही विकेटें बाकी है सलेमान बरियाली के। 116 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 27 गेंदे और 72 रन दरकार है। नए आने वाले खिलाड़ी हसन जमाल
सराजुद्दीन जो अभी तक 2.3 ओवर में 14 रन दे चुके हैं, एक ही विकेट इनके खाते में आई है। अपने ओवर की चौथी गेंद फेंकने के लिए तैयार है, उसके सामने मौजूद हसन जमाल। दोनों तेज तरीन गेंदबाज एक दूसरे का सामना करते हुए, और इसे दिपाही अंदाज में खेल दिया। 26 गेंदे और 72 रन, मैच सलेमान बरियाली के हाथों से जाता हुआ। मैच पर ग्रिप मजबूत मानी अजमरी का। जबरदस्त परफॉर्मेंस आज के मैच में मानी अजमरी के प्लेयरों की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और ये शॉट डिलीवरी बिल्कुल किलर बाउंसर। और एक ही चांस दिया है अब्दुल हमीद ने, सराजुद्दीन को वार्निंग दी है। 25 गेंदे 72 रन दरकार 17.3 के औसत से। 25 गेंदे और 72 रन 17.3 की औसत से, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हसन जमाल स्ट्राइकर इन पे, और ये पाइनली की तरफ जाता हुआ गेंद, एम्पायर का इशारा देखना होगा, प्लेट का इशारा दिया है। बल्ले के किनारे से लगाई ये गेंद और स्कोर में एक रन का इजाफा। स्कोर 117 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदे और 71 रन दरकार सलेमान बरियाली को। हसन जमाल इज अप द मार्क विद डेड सिंगल। जुनेद खान बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, जुनेद खान टेस्ट क्रिकेटर जुनेद खान। स्कोर 117 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। पहरे सवाबी पहरे पाकिस्तान जुनेद खान कमेंट्री बॉक्स एंड से बॉलिंग करने के लिए तैयार। राउंड द विकेट और उसके सामने होंगे सलेमान बरियाली के तेज तरीन गेंदबाज हसन जमाल। आज की जीती हुई टीम का सामना होगा कल सवाबी नाइट के साथ एलिमिनेटर टू में। वाओ क्या गेंद थी, ओ माय गॉड, इसे वाइड करार दिया है अब्दुल हमीद ने, और एक अब्दुल इशारा भी दिया है शबीर अहमद ने। स्कोर 118 रन 24 गेंदे और 70 रन 17.5 की औसत से दरकार है सलेमान बरियाली को। जुनेद खान कमेंट्री बॉक्स एंड से राउंड द विकेट, गेंद फेंकने के लिए तैयार। जुनेद खान अभी तक दो ओवर में सिर्फ 6 रन दे चुके हैं और इनके खाते में 2 ही विकेट आई है। 3 की कमी के साथ वो बॉलिंग करवा रहे हैं। और ये बढ़िया गेंद, अपील अपील, लेकिन शबीर अहमद का इशारा नपी ने। स्कोर बदस्तूर 118 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। जुनेद खान पहरे सवाबी जिन्होंने हाल ही में इंडिया में तहलका मचाया था, विराट कोहली जैसे बड़े बल्लेबाज रोहित शर्मा को पवेलियन भिजवा दिया था। रूम बना दिया, इसे खेल दिया, फील्डर मौजूद, देख लो होगा खतरनाक फील्डर एहतिसास खबीब ने आसानी से कैच पकड़ लिया। इस तरह एक और नुकसान उठाना पड़ रहा है, एक और नुकसान जुनेद खान के खाते में। तीसरी विकेट आई है, जबरदस्त बॉलिंग। हसन जमाल पवेलियन वापस जाते हुए काफी मायूस नजर आ रहे हैं। सलेमान बरियाली हार की तरफ जाते हुए
वली दे वली हां सो गो केशो वली वे वली रहा गए वली रहा केशो इत्तेजाज वली राघले रे बैट्समैन 50 स्ट्राइकर मानने इत्तेजाज हबीब अल्लाह मान मानने जबरदस्त कैच वास्ता होता जुनैद खान टेस्ट क्रिकेटर पका तक अब्बल विकेट त्रि विकेट पर ना सकले गलती तम पूरे 2.2 ओवर की फिनिश बगरन वर कुलरी 2.6 कानवी सरा 22 गेंद 70 रन दरकार सलीम खान बरियाली को 19.1 की औसत से जुनैद खान के सामने मौजूद सादत उड़ता हुआ शॉट इत्तेजाज हबीब जो खतरनाक भी लड़े कार विकेट विकेट नंबर 9 और चौथी विकेट जुनैद खान के खाते में जुनैद खान इज ऑन ए ट्रिक हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए कौन होगा मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही बल्लेबाज बाकी है आमिर मोहम्मद आमिर 9 विकेट गिर चुकी है सलीम खान परियाली की सादत जाहिर पवेलियन वापस जाते हुए बहुत ही मायूस जुनैद खान इज ऑन हैट्रिक लवली पीस ऑफ बॉलिंग बाय जुनैद खान ही इज ऑन हैट्रिक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आखिरी विकेट माने राय अजमरी सेमीफाइनल नासर पयो विकेट फाइनली मंगा अनवाला लाजीता सादिका सागर डीसीए नियाज मोहम्मद सादिका क्रिकेटर तुतेल खान और नो दे ग्रैंड फागो मशरान कथा एक बार पास कुछ पास पास गाना सॉरी अनवाला लाजीता तुतेल खान खान जादर बिस्मिल खान नरागले चंदन बाजर और शाहिद खान बीर ग्राम खाद मशरान बिस्मिल खान के लिए जमाने रहे रमेश कतूल नूर उदर खान तैयार करा गली थी मंगा देखने तो खूब शुक्रिया अदा करो तो खेल के हार जीती तो यकीन होता हूँ जिसमें बिस्मिल खान करो ता सलाम पेश करो तो दूर पर गण तैयार करा गली थी और खुला और करेगा चीफ गेस्ट तुतेल खान कंचे सादिका नाजिम खालिद खान बचे बड़ा मान रहे बागत अल्लाह से बड़े इनाम तकसीम हुई नंद इनाम बारह नकद पीसी तो विकेट 1000 रुपए तो कैच 500 तो चक्कर वाले 2500 और इतजाज अजीब फिर हम पीसी रहा हूँ डिग्री तो कैच 500 तो विकेट 1000 और 9000 रुपए इश्फाक खान कंची इरशाद खान हो गए तो पीसी चकू माने दो 9000 रुपए ऐलान कर दो जुनैद खान टेस्ट क्रिकेटर बाल दसलो राज पारा दबाउ ट्राई ना बाहर खुर्शीद अली कमचे जमंगा कौंसलर फोर दे दो माने बाला वन ना अगर दो ज्वानो ग्रेन गोल में ना दो पार दो ना दो तो इसे इलान कहो जुनैद ने पस बल इंशाल्लाह इतम मिला भी कि मुंगा हम मशगूल हूँ देखा जिदा दो रख कुल ग्राउंड याद आ गई दशब और रोज मेहनत नतीजा रहा चलो सर दिल तक वीर उल्लू के तनखा गाने बाने कार के माता तक पर मिल रही थी क्रिकेट बोर्ड कन्नो करान बकरी और गई पारी का शिवी और ग्राउंड मंगस अपनी मदद आप साथ हूँ बोल कर दिया जुनैद खान 300 विकेट है वापस थी तो नई मैच बेहतरीन बॉलर 5 विकेट पूरा निवार का जुनैद में चार ओवर 10 रन इंशाल्लाह मानी
एलिमिनेटर टू तो क्वालिफाई करा सबा गिरवे इंशाल्लाह ताला सवाबी नाइट सरा महामख्ता की माने रेज मरी क्राउड तो खास थे जब कड़वाने नगर जी अगर आया तो खास थे मैन ऑफ द मैच सरमनी बकी जी हम कैमरामैन गफूर भाई के इंतहाई शुक्रगुजार है इंतहाई अच्छी कैमरा वर्किंग गफूर भाई क्रिकेट 24/7 के कैमरामैन बढ़िया वर्किंग बढ़िया कैमरा वर्किंग